नियम 134 ए के तहत बच्चों को अलॉटेड स्कूल में दाखिला दिलवाने व प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए शुक्रवार को अभिभावकों व बच्चों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के दफ्तर के सामने धरना दिया। भीषण गर्मी के बीच धरने पर बैठे बच्चों ने कहा कि सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे में जरूरी है कि तुरंत नियम 134 ए के तहत जो स्कूल अलॉट हुए हैं बच्चों को उसमें एडमिशन दिलाया जाए। वहीं टीसी के नाम पर भी बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इसकी भी अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। बता दें कि अभिभावकों ने यहां तक कहा कि जल्द ही यदि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब आपको सुनाते हैं कि धरने पर बैठे बच्चों व उनके अभिभावकों ने क्या कहा। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। दो मुख्य रूप से मांगे थी, एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले, कभी वेरिफिकेशन के नाम पे कभी किसी चीज के नाम पे हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है। तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स है उन प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल, वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। इस वजह से सरकारी स्कूलों में गरीब बेटियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार की बेटियां घर पे ही बैठी है, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। 15-20 दिन पहले ज्ञापन दे चुके, लिखित मांग कर चुके, उसके बाद भी 15-20 दिन बाद भी आज तक कोई समस्या पूरी नहीं हुई है। 22 दिन हो गए हैं, आज बेटियां घर पे बैठी है, हमारे लिए इस देश के लिए बड़े ही शर्मसार का विषय है कि इतनी सरकारें बिल्कुल ही संवेदनहीन हो चुकी है और शिक्षा के नाम पर इनका ना तो कोई एजेंडा है और ये जो नारा दिया है ये कागजी नारा साबित होने जा रहा है, क्योंकि बेटियां तो घर पे बैठी है। कितनी शर्म डूब कर मरने वाली बात है कि अपने शिक्षा के अधिकार के लिए उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए आज इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में धरना देना पड़ रहा है, इनको अपनी मांग तपस्या करनी पड़ रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, एमएलए एमपी का घेराव करेंगे, जो भी हो सकेगा हम करेंगे। सरकार है वर्तमान में भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल के मालिकों से मिल गए हैं, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134 ए के तहत बच्चों का एडमिशन होना था लेकिन उन्होंने 10% किया, उसके बाद इन्होंने जब से इनकी सत्ताईयों कम होते चले गए और अब तो खत्म ही कर दिया गया है 134 ए के तहत, इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा ये लड़की जो है चौली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है, उससे दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए, बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा, उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। सरकार जो है पूरी तरह से आंख मीच गई है, सरकार इनके साथ मिल गई है, ये मिल करके आज आम लोगों को इतना लूट रहे हैं जिसकी कोई है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को इन्होंने इतना तबाह कर दिया, क्योंकि सरकारी स्कूलों को अगर ये ठीक करें तो प्राइवेट स्कूलों में जाने की जरूरत न पड़े। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों में 134 ए के तहत प्रावधान है उसके तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं, हो भी गए हैं तो उनके अंदर जो है इन बीन लगाई जा रही है, दिक्कतें पैदा की जा रही है, बच्चों को चक्कर कटाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से कहना है तुरंत प्रभाव से जल्द 134 ए के तहत बच्चों को करें, टीसी की शर्त को खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जन आंदोलन आज सांकेतिक है, अगले दिन रोड पर उतरेंगे, उससे अगले दिन इनके एमएलए एमपीओ के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना आज तो हमारा एक सांकेतिक है, उसके बाद हम अपना पूरा जो है योजना बना करके और जो है इनको के जो एमएलए एमपी और जो मुख्य अधिकारी हैं उनके सामने हम समय अनुसार देते रहेंगे। यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वरना वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल नाम है जी। आज धरने पे किस नहीं बैठे आप? आज धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार जब आई तो इन्होंने आने से पहले नारा दिया था बेटी बचाएंगे बेटियों को पढ़ाएंगे, इन बेटियों के पढ़ाई के अंदर दिक्कत पड़ रही है, 134 ए लागू नहीं हो रही ठीक ढंग से, टीसी वाली शर्त जो प्राइवेट स्कूलों ने जबरदस्ती थोपवा दी उसको सरकार अमल में ला रही है,
और बेटियां घर बैठी है। जिस मजदूर आदमी के पास पैसे नहीं है, जिस गरीब भाई के पास पैसे नहीं है, उनकी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ नहीं पा रही। हम चाहते हैं इस व्यवस्था को बदले।